बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान, मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मटर जो है वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, आज की धूप लग जाए तो आज भी हम अपनी चार पाइए जो है ना वो उस सेन में डालेंगे, क्योंकि सुबह भी इन्हें धूप लगवानी है ना, इसीलिए आज ही यहीं पर पड़े रहेंगे। तो मटर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, घर का काम भी मैंने ये भरने वगैरह और गड़ा भी धो के भर के रख दिया है। तो बस ये झाड़ू ही लगाना है, इसमें तो ये मटर पड़े हैं तो अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो बस इधर इधर से मैं लगा लेती हूँ, जो मटर नीचे गिरे हैं ना, तो हमारे जो ये टाट है ना थोड़ा सा फटा हुआ था नीचे से, तो इसलिए वो मटर गिर गए हैं, तो उन्हें भी हम झाड़ू से अच्छी तरह से रख देते हैं इसमें उठा के। तो झाड़ू भी लगा लेते हैं, चार पाई बाई निकाल लेते हैं। तो झाड़ू मैं उठा के आ गई, अब हम लगाते हैं जी झाड़ू। बस तीन ही मैंने चार पाई निकालनी थी, वो निकाल ली है। तो आज हमने जो ये सिरानों का कवर है ना ऊपर वाले, हम तो लारे बोलते हैं, आज वो हमने धोए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे ना, इसीलिए तो मैं अभी इन पे चढ़ा देती हूँ। चार पाई निकालिए ना, इसलिए ये गंदे लगते हैं अगर इन पे उलारे ना हो। तो एक पे तो मैंने चढ़ा दिया, अब दूसरे पे चढ़ाते हैं। तो चावल मैंने निकाल लिया, मैं इनकी थोड़ी सी जो वो गुण वगैरह होते हैं वो थोड़ी सी सफाई हम कर लेते हैं इनकी। माशाल्लाह चावल इतने खराब नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो अब मैं जाके इन्हें भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम लेते हैं ना, इसीलिए इन्हें पहले मैं भिगो के रखती हूँ। वो हर चीज़ मैंने ऊपर रख दी है, अब मैं जला रही हूँ जी आग, चूल्हे में लकड़ी भी लगा ली है। आग मैंने जला ली है, अब मैं इस पर रखती हूँ जी तवी। तो ये आज मैंने बड़ी देच की रखी हुई, क्योंकि मैंने आज चावल बनाने हैं ना, इसीलिए। तो पानी भी मैंने इस पे पहले पानी रखते हैं, जब ये अच्छी तरह से उबाइल हो जाएगा, जब ये अच्छी तरह से उबाइल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी जी चावल। अभी तो इस पे अभी रखा है, तो देते हैं जी प्लेट, आग जलाते रहेंगे। तो ये जो गरी और द्राख है वो मैंने पहले काट ली थी, अब मैं जाके इसे धो लेती हूँ, टाइम है। तो अब पानी तो उबाइल होने में कुछ देर लेगा, इसीलिए कोई मेरा काम रहता। तो जो गरी और द्राख है वो मैं धो के आ गई हूँ, इस पे इसे रखते हैं जी यहाँ पे। ये जी ये कलर जो हमने ये डालना है, जब ये पानी उबाइल हो जाएगा तो फिर हम ये इसे डालेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी ये तो पानी भी नहीं उबाइल हो रहा, आग जल रही है नीचे से। तो अब मैं ले आती हूँ जी परून, जो इसमें चावल डालने हैं, इसलिए। तो हमारा तो परून है, लेकिन वो मेरी अम्मी जान ने जो बर्तन है ना वो पेटी में रखे हुए हैं, तो किसी और से पड़ोसी से मैं लेके आती हूँ, आंटी से। चल, तो कलर जो है वो मैंने डाल दिया है, माशाल्लाह। देखे जी जैसे मैंने कलर डाला तो इसका जो पानी का कलर है बिल्कुल रेड हो गया। तो अब मैं इस पर देते जी प्लेट, ये हो जाएगा जी उबाल, तो फिर हम डालेंगे जी। तो चावल मैं लेके आ गई हूँ, ये जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, मैंने एक किलो चावल भिगोए थे तो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो गया माशाल्लाह। तो अब इसका पानी जो है वो मैं गिरा देती हूँ। कबूल हम लोग तो मैं
ये चावल हैं भी ऐसे कि हम अगर थोड़े से पुसाए जाएं तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पानी जो है वो भी मेरे माशाल्लाह उबाइल हो रहा है। तो अब हम डालते हैं जी इसमें चावल। तो चावल भी मैंने डाल दिए। जैसे चावल डाले तो उनका भी कलर चेंज हो गया। अब ये जब चावल अच्छी तरह से उबाइल होंगे तो फिर हम इनसे प्लेट उतारेंगे। तो इस परून में डाल के इन्हें पहले धो के आएंगे। तो चावल जो है वो मेरे हो गए जी। तो जो चावल जो है ना वो मेरे हो गए जी तैयार। तो जो इसमें ये ऊपर ऊपर पानी आया हुआ है ना, तो वो मैं जाके निकाल लेती हूँ जी खड्डे पे। इसे ले चलते हैं क्योंकि इन्हें पानी निकाल के इन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है इसलिए। मैं लेके आ गई जी खड्डे पे। तो अब मैं इसकी करती हूँ जी मुधाई। तो चावल अब मैंने धो रही हूँ, सारे मैंने निकाल लिए। गरम है ना, इसलिए मैं चमचे से इन्हें धोया था। जैसा कर लीजिए ला रही हूँ चावल। अब मैं लेके आ गई हूँ, आग भी मेरी जायन चली गई जब मैं चावल धोने गई हूँ। तो अब मैं रखती हूँ जी देश की। अब हम डालते हैं जी इसमें घी। घी भी ऐसे है जैसे पानी हो। तो घी जो है वो मेरा हो गया जी गरम। अब मैं डालती हूँ इसमें चीनी और साथ ही गरीस होगी। थोड़ी सी चीनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए ना, तो फिर मैं डालूंगी जी गरी सौगी। इसमें चीनी काफी ज्यादा डालनी पड़ती है। तो चीनी जो है वो मेरी होगी जी मिक्स। तो अब ये पक रही है, ये अच्छी तरह से ये पत बन चुकी है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें गरी सौगी। गरी सौगी जो है ना वो इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो वो हो गया जी मेरी तैयार। तो अब मैं डाल रही हूँ जी इसमें चावल। तो चावल मैंने डाल दिए। तो अब मैं इस पे देती हूँ जी दम। तो चावल हो गए जी मेरे तैयार। अब मैं देती हूँ इस पे दम।
जो आग है वो भी मैंने इसके नीचे कम कर दी। अगर ज़्यादा आग होती तो फिर ये नीचे से लग जाने थे ना, इसीलिए इन्हें ऊपर ही रखना था। मुझे पता नहीं चला, मैंने उतार लिए। तो अब मुझे आंटी ने बताया कि इन्हें आग के ऊपर ही रखते हैं, लेकिन इनके नीचे आग कम थोड़ी की जाती है। चावल जो है वो माशाल्लाह मेरे तैयार हो गए हैं, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इतने में चावल खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर जो इनका कलर है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आज दानिश भाई घर में बैठे, मैंने चावल डाल दिए। अब मैं जाके देती हूँ जी दानिश भाई को चावल। तो अब मैं आ गई हूँ जी दानिश भाई के साथ, दानिश भाई के पास। तो देखिए जी आज भी मेहनान आए हुए हैं। मेहनान कह रहे क्या है, ये लो मेहनान चावल खाने है। हाँ जी मेहनान बोलता है, छोटा है ना तो वो मुझे समझ नहीं आती, वो तो अपनी बोली बोलता है, उसकी बोली की तो मुझे समझ नहीं लगती। कुछ तो बोल रहा है लेकिन हमें तो समझ नहीं लग रही। मिनान बेटा गरम है, बहुत ही मजेदार बने हैं, मां ने बहुत ही अच्छे चावल बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं चावल गरम हो रहे हैं। जो मेनान के दादा बू और फूफो लोग हैं ना वो भी बहुत शौक से चावल खाते हैं, ये जर्दा जो है, और मेनान भी माशाल्लाह बहुत ही शौक से खा रहा है। वैसे उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।